ठीक है, वेव मोशन। वेव मोशन जैसे रेडियो वेव्स, और हमने देखा कई सारी जो अलग अलग वेवलेंथ पे जो वेव्स होती हैं उनकी मोशन, उनकी एनर्जी, उनकी वेवलेंथ वगैरह के ऊपर ये क्वेश्चन होगा। इसमें देखते हैं कि कैसे। फिर वेव मोशन पहला, इसमें अमंग द रेडियो रेडियो वेव, एक्सरे, लाइट वेव, साउंड वेव, मैकेनिकल वेव इज, इसमें से मैकेनिकल वेव पूछा है इन चारों में से। साउंड वेव मैकेनिकल है, ठीक है, साउंड वेव। बाकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स और एक्सरे, ये सब। द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव इज साउंड वेव। ये साउंड वेव, ये इनको साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, हमें मैंने बताया था। इसलिए अगर वैक्यूम है तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई मीडियम उनके पास एयर हुआ या कोई लिक्विड हुआ या मेटल हुआ तो उसमें अच्छे से ट्रैवल कर सकती हैं। मेटल में सबसे अच्छे से ट्रैवल करती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स। तो साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इन सितार द टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस आर स्टेशनरी इन ट्रांसवर्स। भैया ये सब सिर्फ रट लो, अब इसको ढूंढने जाओगे कैसे है तो बहुत लंबी थ्योरी होगी उसके पीछे। लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय दिस लेयर ऑफ अर्थ, आयोनोस्फीयर, ठीक है। आयोनोस्फीयर जो हमारा जो रेडियो काम करता है, जो कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस जिसमें वेव्स इस्तेमाल, रेडियो वेव्स लगती हैं, जैसे हमारा जो नॉर्मल रेडियो होता है वो भी उसी उसी पे काम करता है, ठीक है। रेडियो ऊपर, वेव्स ऊपर जाती हैं, आयोनोस्फीयर से टकराती हैं, फिर वापस हमें वो रिसीव होती हैं, ठीक है। वैसे वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ आयोनोस्फीयर, इस सब का आंसर आयोनोस्फीयर है। एटमोसफेयर लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, ये भी आयोनोस्फीयर, ठीक है। वेव्स ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपिगेट बाई मीन्स ऑफ स्पेस वेव्स, ठीक है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो है वो स्पेस वेव से होती हैं। अमंग द लाइट हीट एंड साउंड, अमंग द लाइट हीट साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। साउंड वेव्स बताया था, वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड वेव्स जीरो होंगी, उनका कोई वो नहीं होगा स्पीड स्पीड, ठीक है। रेडियो वेव्स बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। साउंड वेव्स मैकेनिकल थी और जो रेडियो वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। कॉस्मिक रेज आर चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, कॉस्मिक रेज चार्ज पार्टिकल हैं। दिस स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अलग अलग तरह की वेव्स हैं, देख लो, साउंड वेव्स मैकेनिकल थी, जो रेडियो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, कॉस्मिक रेज उन दोनों में ही, दोनों ही कैटेगरी में एक तरह से नहीं है। फिर एमंग द रेडिएशन, रेडिएशन कन्वेक्शन और कंडक्शन, दिस डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, रेडिएशन को मीडियम नहीं जरूरत पड़ती। एसोसिएटेड विद एल्बेडो रिफ्लेक्टिंग पावर, ये तो सबको पता है, ज्योग्राफी का पोर्शन है। अर्थ एटमोसफेयर इज मेनली हीटेड बाई दिस लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। अब ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का क्या चक्कर है, जो जितनी ज़्यादा हीटेड बॉडी होती है, मान लो सूरज है, तो सूरज जो छोड़ता है वो शॉर्ट वेव लेंथ वाली छोड़ता है रेडिएशन, ठीक है। उससे जो हमें रिसीव होती है धरती पे वो शॉर्ट वेव लेंथ की हैं, और जब वो आके धरती पर टकराती हैं किसी भी चीज़ से तो वो उसको हीट करती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि कार खड़ी है आपकी, ठीक है, कार खड़ी है, कार पे सूरज की रोशनी पड़ी, वो शॉर्ट वेव लेंथ की थी। अब जब कार गर्म होगी तो वो रेडिएट करेगी हीट को, और वो लॉन्ग वेव लेंथ वाली हीट को रेडिएट करेगी, ठीक है। लॉन्ग वेव लेंथ जो सेकेंडरी कह सकते हो, सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, सेकेंडरी रेडिएशन होता है, वो लॉन्ग वेव लेंथ का होगा और वो ज़्यादा गर्म करती हैं इन कंपेरिजन टू दैट शॉर्ट वाली, ठीक है। तो जो धरती गर्म होती है हमारी, वो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब जो रोशनी धरती, मतलब जो वो लॉन्ग शॉर्ट वेवलेंथ वाली आई, धरती से टकराई, धरती को गर्म की, फिर धरती वो छोड़ेगी लॉन्ग वेवलेंथ वाली, ठीक है, और वही जो है गर्म करती है हमारे एटमॉस्फेयर को। सूरज वाला उतना गर्म नहीं करता जितना ये टेरेस्ट्रियल वाला गर्म करता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड सक्सेसिव ट्रॉक इज वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, ऐसे वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो है ये वेवलेंथ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 × 10⁸ मीटर, मतलब जितना लाइट की होती उतनी है, ठीक है, 3 × 10⁻ में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एमंग द गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, सुपरसोनिक वेव, इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सुपरसोनिक वेव। सुपरसोनिक वेव क्यों, वो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, साउंड वेव्स हैं सुपरसोनिक।
रिमोट सेंसिंग यूजेस दीज वेव्स, रिमोट सेंसिंग यूजेस दीज वेव्स इन एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, रिमोट सेंसिंग जो आपके सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर अमंग द इंफ्रारेड एक्सरेज, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, इट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेडियो वेव्स, ठीक है, ये रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, इन कंपेरिजन टू जो एक्सरे वगैरह, इनकी बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ होगी बहुत छोटी छोटी होगी, इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, जिसमें छोटी, जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, जिसकी वेवलेंथ बड़ी है, ठीक है, उसमें कम एनर्जी होगी, ये समझे रहे ना। फिर अमंग द विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट एंड एक्सरेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम एनर्जी एक्सरे, एक्सरे की सबसे ज़्यादा है इन सब में, ठीक है। फिर द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इज रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरेज, उसके बाद गामा रेज, सबसे ज़्यादा गामा रेज की है, ठीक है, इस वाले में गामा रेज ऑप्शन में नहीं था, इसलिए एक्सरेज है, एक्सरेज से कम, एक्सरे से ज़्यादा गामा रेज की है, उससे कम अल्ट्रा वायलेट की है, फिर विजिबल की, फिर इंफ्रारेड की, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स, सबसे कम जो एनर्जी है वो रेडियो वेव्स की है, और इनकी ही जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो सबसे कम, सबसे वो होगी, हाँ कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसीज रेंज ऑफ 300 MHz टू 300 GHz, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव वो इंफ्रारेड से कम एनर्जी वाली होंगी, इंफ्रारेड से कम एनर्जी वाली होंगी, और उनसे उनसे जो उनकी वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर रेज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर एक्सरेज, ठीक है, किसी भी, जब आपका हार्ट टूटता है, ठीक है, तो वो जो स्कैन वो करते हैं ना, एक्सरे करा, कहते हैं एक्सरे करा लो, ठीक है, तो वो इसलिए कराते हैं क्योंकि वो पेनिट्रेट कर सकती है उस आपके हड्डियों को, और उसे पता चलता है कि स्ट्रक्चर कहाँ से ब्रोक हुआ है, कहाँ टूटा है। द रडार विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं। द वेव यूज इन नाइट विजन अपरेटस, इसमें भी इंफ्रारेड, इसमें इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड जो आपकी वो रिमोट वगैरह होते हैं टीवी के, उसमें भी शायद इंफ्रारेड ही है, ठीक है, हाँ ये टीवी रिमोट में भी इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। द विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट एंड माइक्रोवेव, विच वेव आर यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव। फिर द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एफ एम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो वेव्स आर बैंडविड्थ एंड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आर हायर देन दैट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो ए एम होता है, ए एम और एफ एम हमने सुना है, ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड फेज डू नॉट चेंज इन इट। अब ये सब रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर है। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर है, ठीक है, एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। एफ एम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जनरली यूज द रेंज ऑफ ये फ्रीक्वेंसी, मतलब जो एफ एम में इस्तेमाल की जाती है जो रेंज फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी बैंड की, 88 to 108 MHz, ठीक है, 88 to 100। अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट 30 मीटर बैंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव ट्रांसमिटेड बाई दिस स्टेशन इज, अच्छा ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है, फॉर्मूले में लगाओ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेव लेंथ, ठीक है, तो लॉन्ग वेव, फिर रेडियो वेव्स आर लॉन्ग वेव लेंथ, ऊपर बताया था, जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है, वेव लेंथ और एनर्जी, ठीक है, और वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, उसकी वेव लेंथ कम होगी। टेलीविजन व्यूअर्स यूज डिश एंटीना टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल्स, डू नॉट रिसीव सिग्नल्स ड्यूरिंग रेन बिकॉज द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ एंटीना रेन रेन ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब द रेडियो एनर्जी ऑफ रेडियो एंड रेन ड्रॉपलेट डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है, इसमें बता रहा है कि जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में जो टीवी सिग्नल्स हमारे टीवी होते हैं, एंटीनाज होते हैं, वो क्यों नहीं रिसीव कर पाते हैं, दो तीन वजह हैं। एक, पहला जो एंटीना है उनकी साइज छोटी होती है, दूसरा जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और तीसरा कि वो उनको डिस्पर्स भी करती हैं, जो सिग्नल आ रहा है उसको डिस्पर्स करती हैं, दूसरे दूसरे डायरेक्शन चले जाते हैं, तो वो जहाँ आना उनको वहाँ नहीं आ पाते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन इज डन बाई एक्सरेज, सीटी स्कैन में एक्सरे का इस्तेमाल होता है, रॉन्गटन ने खोज किया था एक्सरे मशीन का, ठीक है, विलियम रॉन्गटन। फिर साउंड से रिलेटेड है,
असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम बताया था, नाइट्रोजन, वाटर, स्टील। स्टील में सबसे ज्यादा क्यों? मेटल है, ठीक है, मेटल में सबसे अच्छे से ट्रेवल करती है साउंड वेव्स। एमंग द वैक्यूम एयर वाटर, लोग क्या सोचते हैं ना कि वैक्यूम में तो भाई सब कुछ खाली है, साउंड वेव एकदम फर्राटे से जाएगी, ऐसा नहीं होता, उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो वो मीडियम सबसे बढ़िया उसको स्टील में मिल जाएगा, उससे कम वाटर मतलब लिक्विड होगा कोई, उससे कम एयर, ठीक है, वैक्यूम में जीरो, ठीक है। द इसमें लिखा है फिर वैक्यूम एयर वाटर स्टील, द साउंड विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी इन स्टील में। ये क्वेश्चन पुराना है, कई बार रिपीट हो चुका है। इसमें द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी को मैक कहते हैं, इसी को मैक, जो मैक स्पीड आप देखते हो ना रॉकेट वगैरह की, मैक, तो वो रॉकेट वगैरह की स्पीड इसी से आती है। मैक, एक मैक का मतलब वो उसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड के बराबर है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन मेटल। फिर इफ वी ए वी डब्ल्यू वी एस रिस्पेक्टिवली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाटर इज स्टील, तो वी एस सबसे ज्यादा इसमें होगी, स्टील वाले में। एमंग एयर, ग्रेनाइट, वाटर एंड आयरन, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री, आयरन, ठीक है। ग्रेनाइट ना मार देना, ग्रेनाइट दूसरी चीज है, वो मेटल वेटल नहीं है वो, ठीक है। साउंड वेव कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसेस मीडियम, ठीक है। साउंड वेव गैसेस में भी चल सकता है, मेटल में भी चल सकता है, ठीक है, सॉलिड मीडियम में भी। साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स में। साउंड वेव डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है, ये देखा है हम सबने। साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, इट्स वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर, हाउ मच टाइम। ये तो सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, अब नहीं पूछते वैसे, ठीक है, यूपीपीएससी में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। द वॉल्स ऑफ द हॉल बिल्ट फॉर म्यूजिक कंसर्ट शुड एब्जॉर्व साउंड, ठीक है, इसलिए वो पर्दे लगते हैं ना, वो देखा होगा आपने जहाँ शूटिंग वगैरह चलती है, ताकि वो उसको एब्जॉर्व कर लें जो साउंड है, वरना वो गूंजेगा, आवाज गूंजेगा, ठीक है। टू हियर अ क्लियर इको, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑब्जर्वर शुड बी कितना? 16.5 मीटर्स या 17 मीटर कह सकते हो। वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज पिच, विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। टू एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर ईच अदर वॉइस ऑन मून सरफेस बिकॉज देयर इज नो एटमोसफेयर ऑन द मून, ठीक है, वैक्यूम है एक तरह से, तो वैक्यूम में आवाज नहीं जाएगी, आप कितना भी तेज चिल्लाओगे, ठीक है। एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर हिज कंपेनियन एट द सरफेस ऑफ मून, ये तो वही बात है, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है वहाँ पे, तो साउंड वे प्रोपगेट नहीं करेंगे और सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, आप कितना भी चिल्ला लो। अ फ्लूट ऑफ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूसेस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, साउंड ट्रेवल्स इन रॉक इन फॉर्म ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ये स्टेटमेंट थे, उसमें से ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो स्मॉलर लेंथ की जो फ्लूट होती है वो जो साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी होगी, और जो साउंड वेव्स हैं वो किसी भी रॉक में लॉन्गिट्यूडन और ट्रांसवर्स वेव के रूप में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्ट्रासोनिक वेव्स आर करेक्ट, अच्छा करेक्ट ही दिया है, दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, हाँ, क्योंकि वो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है भाई, वो तोड़ सकती हैं किसी चीज़ को। जो सोनिक बूम आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा ना, सोनिक बूम, वो जब रॉकेट बहुत तेजी से जाता है तो वो प्रोड्यूस होता है, जब 5 मैक के उस 4 या 5 मैक को क्रॉस स्पीड कर लेता है तब वो सोनिक बूम प्रोड्यूस होती है, और बहुत तेजी से आवाज होती है, कान फट जाते हैं लोगों का अगर बगल में। तो दे कैन क्लीन क्लोथ्स बाय रिमूविंग डस्ट, दे कैन बी यूज टू ट्रीट डिसीजेस, दे कैन कंट्रोल एटोमेटिक डोर्स, अच्छा ठीक है, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या क्या कर सकती हैं उसके बारे में है ये। अल्ट्रासोनिक आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 गीगाहर्ट्ज, मतलब आपके कान फाड़ सकते हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है। ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन, देखो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और जो सोनिक था वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, मतलब आपके सुनने की क्षमता से ज़्यादा होते हैं ये, तो कान के पर्दे फट सकते हैं। अ बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड, सोनोग्राफी, सोनोग्राफी, ठीक है। फिर दीज वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वोम, अल्ट्रासोनिक वेव्स अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं शायद वही है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स उसमें इस्तेमाल होता है।
बैट्स कैन फ्लाई, बैट्स कैन फ्लाई ड्यूरिंग डार्क नाइट एंड ऑल्सो प्रे, दिस इज बिकॉज ऑफ दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। हाँ वो कहते नहीं, वो वेव्स, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, और जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है उनको पता चल जाता है कि आगे है कुछ। ठीक है, इन गाइडेड बाई देम। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हर्ट वाइब्रेट्स एट इंफ्रासोनिक, मैक नंबर इज यूज टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, मैक नंबर बताया था, और हर्ट की जो वाइब्रेशन है वो इंफ्रासोनिक में है, मतलब उसकी इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक वो साउंड की स्पीड से रिलेटिव में है। ठीक है, मतलब उतनी स्पीड से नहीं करता लेकिन उसे कम करता है। इन पेशेंट्स हार्ट बीट, द पेशेंट्स हार्ट बीट रीच द डॉक्टर्स ईयर बाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वो जो हार्ट दिक 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 करता है, तो वही चीज़ है इसमें बता रहा है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट इज डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। ये हाँ, ये एक वो था कि जो बहुत तेज जो सुपरसोनिक जेट होते हैं वो ओजोन लेयर को भी डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे कई केसेस थे और हैं भी। अ जेट क्राफ्ट एयरक्राफ्ट मूविंग एट मैक नंबर इक्वल टू वन ट्रेवल फास्टर देन एन अल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर, देन वाइल मूविंग एट मैक नंबर इक्वल टू वन नियर द सी लेवल, द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अच्छा, पहला वाला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। सही है। अच्छा, इसमें ये गलत क्यों है? क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो चीज़ इफेक्ट नहीं करती है, मतलब वो चाहे पानी के ऊपर जा रहा हो या हवा में जा रहा हो तो उसकी स्पीड सेम रहेगी। डेसिबल इज यूज टू मेजर साउंड इन एटमोसफेयर, डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, डेसिबल जो साउंड की इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाई टू पर्सन इन कन्वर्सेशन इज अबाउट 30 30 डेसिबल। ठीक है, इसकी रेंज भी पूछा था कहीं, देखते हैं। अ नॉइस ऑफ 100 डेसिबल वुड करस्पॉन्ड टू नॉइस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल फैक्ट्री, इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री। अच्छा, मतलब ये जैसे जैसे मतलब शोर बढ़ेगा डेसिबल नंबर बढ़ता जाएगा, इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री में ज़्यादा शोर होगा, 100 डेसिबल पहुँच गया, शायद 180 या कुछ लिमिट होती है अपने कान की भी। ऐसा ही डेसिबल लेवल ऑफ रस्टिंग ऑफ ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अबव अबाउट 20 डेसिबल। ठीक है, बहुत जैसे वो हम हवा चलती है और वो हम पत्ते की आवाज़ सुनते हैं, वो गहरा है, कितनी होगी, 20 डेसिबल के आसपास। एज पर WHO द सेफ नॉइस लेवल ऑफ फॉर सिटी इज 45 डेसिबल। ठीक है, 45 डेसिबल। ये हाँ, ये चीज़, ये क्वेश्चन मतलब ये मैथ्स दो कॉलम का था, तो इसमें है रेजिडेंशियल एरिया में कितना, 45 to 55, साइलेंट जोन पे 40 to 50, इंडस्ट्रियल एरिया में 70 से 75 और कमर्शियल एरिया में 55 से 65। ठीक है, टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइज़ फॉर ह्यूमन इज, हाँ 85 डेसिबल, ये बताया था, वो 85 डेसिबल है हमारे कान की लिमिट। ठीक है, मतलब जितने शोर सुनने की क्षमता हमारी, 85 डेसिबल। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इसमें PCS में, और ये याद रहे तो अच्छी बात है, वरना वहाँ 80 85 ऐसे करके दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। साउंड अबव वॉट लेवल इज इन डेसिबल इज कंसिडर्ड हजार्डस नॉइज पोल्यूशन। 80 डेसिबल के ऊपर कुछ भी रहेगा वो आपके लिए एक तरह से नॉइज पोल्यूशन है जो आपके कान खराब कर सकता है। द यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन डेसिबल ही है। ठीक है, ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बींग इज अबाउट 60 डेसिबल, मतलब इसके ऊपर जब जाएगा तो आपके कान खराब होने शुरू हो जाएंगे, वो वाली कंडीशन है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दूसरी चीज है। द वर्क अ वर्कर वॉज वर्किंग ऑन अ ट्रेल रेल ट्रैक, अ बॉय एट अ डिस्टेंस होल्ड हिज ईयर नियर द रेल ट्रैक, दिस बॉय वॉज एबल टू हियर साउंड ऑफ ब्लो ऑफ वर्कमैन ट्वाइस, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन स्टील देन एयर। ये बताया था, ठीक है, कि जो स्टील या मेटल होगा उसमें साउंड वेव्स अच्छे से ट्रेवल करती हैं, बहुत अच्छे से, तो वो कितना भी दूर होगा अगर वो एक ही पटरी है और उस पर कान उसने लगा लिया है तो कहीं भी कुछ भी खटपिट होगी उसको सुनाई देगा वो चीज़। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू साउंड वेव्स। स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट इन एनी मीडियम, एज वी डिक्रीजेस द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है हर केस में। इसमें जैसे बताया कि सॉलिड से गैसेस जाओगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है, बीच में लिक्विड पे आता है तो सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे डिक्रीज होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उसकी साउंड की स्पीड भी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इक्रीज करोगे उसी मीडियम में और वो टेम्परेचर इक्रीज करोगे तो साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है,
When a sound wave goes from one medium to another, the quantity that remains unchanged, frequency. Frequency नहीं change होती, ठीक है, बाकी सब change जाएगा, amplitude वगैरह change हो जाता है. When the same tone is played on sitar and flute, the sound produced can be distinguished from each other because of the difference in pitch, loudness, quality, ठीक है, quality, ठीक है, quality only, बाकी सब same रहेगा, quality. The basic unit of sound called phonemes. Phonemes, basic unit of sounds, basic unit of phoneme. अच्छा, ये सब कुछ ज़्यादा ही टिपिकल हो जाता है, ये सब रटे रहो तो सही है, या फिर साउंड की फिजिक्स में जाओ और वहाँ ये सब मिल जाएगा. Reverberation mainly faced in large churches and other large buildings. The wall, roof and ground may cause multiple sound reflections. Correct explanation है. Reverberation मतलब जैसे कोई चीज़ कहो और वो मतलब वैसे सुनाई देता हो, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता हो, ठीक है. इको नहीं, इको अलग चीज है. द करेक्ट स्टेटमेंट आर द वाइडली, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट सीधे दिया, द वाइडली यूज म्यूजिक म्यूजिकल स्केल कॉल्ड डायटोनिक स्केल हैज 8 फ्रीक्वेंसीज ना, नोट्स इसको कहते हैं, सारे गामा पा दा नी सा वो वाला, ठीक है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ टोन सा is 256 hertz and that of knee is 480. देखा वही था, ये सारे गामा पा धनी सा, तो उसमें अलग अलग लेवल पर वो फ्रिक्वेंसी हैं और उसकी उनका वो भी दिया है. द मॉडर्न टी वी इज स्विच्ड ऑन, ऑडियो एंड वीडियो बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली. अच्छा ये स्टेटमेंट रहेंगे उसमें से ही करेक्ट वाला था. इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द पिक्चर सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा, ठीक है. टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, ये सीआरटी मॉनिटर की बात कर रहा है, अब वाले में तो अलग है भाई, एलईडी मॉनिटर्स वो अलग केस हैं, ये अलग, ये पुराने वाले पता. टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है. ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पिक्चर सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है. फिर इलेक्ट्रिक करंट, इसको भी कर लें क्या, इलेक्ट्रिक करंट. 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर्स. इफ द कंजप्शन कॉस्ट इज 5 रुपी पर यूनिट, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड ₹5, ठीक है. दस इफ अ बल्ब ऑफ 100 वॉट, अच्छा ये फॉर्मूला होता है ना वो वर्क उसका वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला, मतलब वर्क पर इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट ऐसे करके है, तो उसी से ही ये निकाला गया. अब इन लोगों ने इसमें फॉर्मूला दिया नहीं तो ये पता नहीं चलेगा, सिर्फ सिर्फ आंसर आंसर रहेगा, तो इसका कोई ना कोई वैसे फायदा नहीं है क्योंकि फार्मूला नहीं दिया इन लोगों ने, एक्सप्लेनेशन वाले में फार्मूला दिया रहा होगा, ठीक है. इफ़ अ बल्ब ऑफ 100 वॉट बर्न्स फॉर 10 आवर्स, द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी 1 यूनिट. अब ये तो वही बात है, जब तक फार्मूला नहीं होगा तो ये 1 यूनिट 10 यूनिट कोई फायदा नहीं है. अमंग द वॉट वोल्टेज ओम एम्पियर द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल इज बेस्ड ऑन वॉट वाट वाट पे, ठीक है, कितना वाट बिजली इस्तेमाल हुआ उस पे आपका बिल आएगा, ना कि एम्पियर या करंट या उस पे. फिर ये सब तो न्यूमेरिकल से है, न्यूमेरिकल उसका मतलब नहीं है, मतलब अगर करना चाहो तो फार्मूला है, फार्मूले में रख तो आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं. ऑफ द टू बल्ब इन हाउस वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी द डिम बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसमें भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो उसमें रोशनी कम रहेगी, इनका कहने का मतलब है. हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट, पैरेलल में अगर कनेक्ट करो, ठीक है, पैरेलल में, तब उनके जो रेजिस्टेंस होता है वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए दोनों में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी. अगर सीरीज में रहेगा तो पहले वाले को ज़्यादा मिलेगा और दूसरे वाले को कम मिलेगा, इसलिए चीज़ों उनको जो भी आपकी मतलब ये आपके जो भी पंखे या लाइट वाइट हैं वो सब पैरेलल में वो होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, सीरीज में नहीं होती हैं. सीरीज में अगर एक फ्यूज हो गया या पहला वाला फ्यूज हो गया तो बाकी उसके बाद बादल नहीं चलेंगे, वैसा होता है, ठीक है, इसे पैरेलल में होता है कि सबको बराबर करंट भी मिले. अ डायनेमो विच इज सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट्स एज कन्वर्टर ऑफ एनर्जी. डायनेमो में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, इसी के नीचे है मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. डायनेमो ही आपके डैम वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो बहुत बड़े डायनेमो होते हैं, ठीक है, उसमें पानी की मदद से उसको रोटेट किया जाता है उनके पंखों को, और वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. टर्बाइंस इनको कहते हैं, टर्बाइंस एंड डायनेमोज आर यूज टू कन्वर्ट विच एनर्जी मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टर्बाइंस उनको कहते हैं, ठीक है.
व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो हीट लॉस. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन कन्वर्ट करो तो हीट लॉस नहीं होता. अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक मोटर. जैसे आपके जो पानी वाली मोटर होती है उसमें भी वो पानी खींचता है ना नीचे से, या मान लो सप्लाई वाला ही, तो वो इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी. एमंग द एमीटर वोल्ट मीटर डायनामो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक मोटर द डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डायनामो एंड इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये डायनामो और इलेक्ट्रिक मोटर काम करते हैं. ठीक है, उसके बाद अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी है. बैटरी है, ठीक है, बैटरी. इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑपरेटिंग ऑन लो वोल्टेज टेंड टू बर्न आउट बिकॉज दे ड्रॉ मोर करेंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. ये फैक्ट है, मतलब ये वन लाइनर है वैसे करके. ज़्यादा करंट वो लेते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बर्न आउट हो जाते हैं. फैराडेज कॉन्स्टेंट इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट. अच्छा, उसमें कई सारे रहे होंगे तो उसमें से एक ही भी था. द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ मोटर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ मोटर कार बैटरी वोल्टेज इज यूजली 12 वोल्ट. कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन एम्पेयर आवर. इलेक्ट्रोलाइट यूज इज सल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा, ये तीनों ही चीज़ उस मतलब बैटरी कार बैटरी के ऊपर है. ठीक है, कि उनकी जो वोल्टेज होती है वो 12 वोल्ट के आसपास होती है, कैपेसिटी उनकी जो होती है वो एम्पियर पर आवर में एक्सप्रेस की जाती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है उस बैटरी में वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड. निकल कैडमियम बैटरी इज यूज्ड इन कैलकुलेटर कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ट्रांजिस्टर. इवन आपके मोबाइल फ़ोन में भी शायद वही इस्तेमाल होती है निकल कैडमियम. नहीं, अब तो वो वाली आ गई ना, दूसरी वाली लिथियम वाली, लिथियम आयन, ये पहले था. मेटल यूज्ड एज फिलामेंट इन लाइटनिंग इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन. टंगस्टन बहुत हार्ड मेटल होता है वैसे, लेकिन जो बल्ब में इस्तेमाल होता है बहुत 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 लाइट होता है कि वो छूते ही टूट जाए वैसा. इन एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज रेदर शॉर्ट लाइफ बिकॉज फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म. बल्ब कैन नॉट बी क्या है इवेक्यूएटेड कम्प्लीटली. वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट ऑफ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज कितना है भैया? बहुत, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब का टेम्परेचर 1500 से 2-2500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. भाई बहुत बढ़िया यार. लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. लाइटनिंग जो आपने कई बार देखा होगा पेड़ पे गिरता है तो पेड़ को भी जला देता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है. ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर प्रिवेंट बिल्डिंग फ्रॉम डैमेजेस इन इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक. ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट टू ग्राउंड थ्रू अ वायर इंस्टीड ऑफ पासिंग थ्रू ए स्ट्रक्चर. ये सही, दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है और वो सही एक्सप्लेनेशन है. इसलिए आपने कई जो बड़ी बिल्डिंग देखी होंगी उस पर एक ऐसा डंडा टाइप का लगा होता है लोहे का, ठीक है, ताकि अगर लाइटिंग हो तो वहां से फिर उसको वो ग्राउंड करते हैं जमीन से जाके उसको, मतलब वो जो डंडा होता है उसका कनेक्शन जमीन से होता है कि जब अगर कभी उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो तो वहां से सीधे वो जमीन में चला जाए. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो भी वहां से आ रही है लाइटनिंग से, नहीं तो वो स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा. तो जो आपका कुतुब मीनार है इसमें शुरू में यही केस हुआ था, तो वो लाइटनिंग हुई थी और वो ऊपर के एक दो माले खराब हो गए थे, तो ऊपर बाद में लोगों ने कलश रखा. ठीक है, उसको जब मतलब लाइटनिंग से बचने के लिए उस पर कलश रखा गया था. अभी भी है शायद कुछ ऊपर है वैसा मेटल का जो कुतुब मीनार है उस पर. इन अ 3 पिन इलेक्ट्रिक प्लग द लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड ग्राउंड टर्मिनल. जो ग्राउंड कहते हैं ना ग्राउंडिंग कर दो वो, तो उसमें जो मोटा वाला जो पिन होता है 3 प्लग में वो ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा होता है. इन इलेक्ट्रिक अपैरेटस अर्थ इज यूज फॉर सेफ्टी. अर्थिंग वही जो कहते हैं अर्थ, अर्थिंग. ठीक है, उससे रिलेटेड है. द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज बॉडीज इफ दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल. ठीक है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी. ठीक है, इसलिए हम वो वी से जो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं, अगर पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो नहीं होंगे. ठीक है, इफ अ फ्यूज यूज इन मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज अ सेफ्टी डिवाइस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूज इज इट मस्ट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों? जैसे अचानक से तेज करंट आ गया,
तो वो मेल्ट हो जाएगा और क्या कहते हैं आपका जो डिवाइस होगा वो बच जाएगा। अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो मेल्ट नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही पास जाएगी और आपका डिवाइस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो फ्यूज़ इस्तेमाल होता है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होती है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उस पर काम करता है। कंडक्टर भी होता है वो, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग इफेक्ट भी रहता है, दोनों चीज़ें उसमें। फ्यूज वायर यूज फॉर सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। अ फिलामेंट ऑफ अ हेलोजन लैम्प इज एन अलॉय ऑफ टंगस्टन एंड सोडियम। फिलामेंट ऑफ हेलोजन लैम्प, हेलोजन लैम्प में जो फिलामेंट होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, मतलब अलॉय होता है टंगस्टन का और सोडियम का। टंगस्टन जो फिलामेंट होता है वो नॉर्मली बल्ब में यूज़ होता था, पहले वाले जो हम लोग बल्ब यूज़ करते थे। ठीक है, फिर असर्शन रीजन है द टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर राइजेस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। कोलिजन कोलिजन ऑफ मेटल एटम विद ईच अदर रिलीजेस हीट एनर्जी। पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। ठीक है, कोलिजन ऑफ मेटल एटम विद ईच अदर रिलीजेस हीट एनर्जी गलत है। टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर राइजेस विद इलेक्ट्रिक करंट इज पास, हाँ ये तो सही है यार, दूसरा वाला गलत क्यों है? कोलिजन ऑफ मेटल एटम विद ईच अदर इंक्रीजेस हीट एनर्जी, ये तो मुझे सही लग रहा है, पता नहीं क्यों आर फॉल्स दिया है। ठीक है, फिर डोमेस्टिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली पैरेलल कनेक्शन, बताया था अभी, पैरेलल में होता है। अगर सीरीज में होगा तो जो एक पहला वाला ख़राब होगा सारे नहीं चलेंगे फिर, और पैरेलल में होगा तो एक ख़राब हो कोई मतलब नहीं, वो स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, दूसरा वाला चलता रहेगा। ठीक है, अ वायर विद ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इज न्यूट्रल वायर। अच्छा, अब ये भी याद रखना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ड्राई ह्यूमन बॉडी, ये है 10⁴ ओम। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ सी एफ एल कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इलेक्ट्रिक इमिटिंग डायोड LED, लाइट इमिटिंग डायोड LED वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो लुमिनेसेंस। ठीक है, मतलब जो डायोड होते हैं ना उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो चमकते हैं। ठीक है, तो जो ये आपकी LED वाली चीज़ें हैं वो उसी पे काम करती हैं, उसी प्रिंसिपल पर, कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो शाइन होता है, वो चमकता है। फिर LED लैम्प्स ऑफर लॉन्गर सर्विंग लाइफ एज कम्पेयर टू CFL, क्यों? जो LED हैं वो मोर एनर्जी इफिशियंट एज कम्पेयर टू मतलब CFL, दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, CFL और LED में डिफरेंस बताया है। टू प्रोड्यूस लाइट अ CFL यूज मरकरी वेपर एंड फॉस्फोरस वाइल LED लैम्प यूज सेमी कंडक्टर मटीरियल, सही है, और CFL इज लेस एनर्जी इफिशियंट और एज कम्पेयर टू LED लैम्प, दोनों सही है। ठीक है, दोनों मतलब अच्छा सही दिया है, डिफरेंस बताया है, ये याद रखना, ये UPSC में पूछ सकता है। ठीक है, अब तो नहीं पूछते हैं वैसे LED पे, लेकिन क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस पर नोबेल प्राइज मिली थी LED को ही लेकर, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए UPSC में भी। विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइट द सोडियम लैम्प डिफर्स फ्रॉम LED लैम्प्स, कैसे? सोडियम लैम्प जो होता है वो लाइट जो प्रोड्यूस करता है वो 360 डिग्री पे करता है, मतलब वो बहुत धीरे 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 गर्म होगा जब, तब वो उसमें से लाइट निकलेगी। LED के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, LED केस में इलेक्ट्रिसिटी गई और वो चमकना शुरू कर देगा। स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम द सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक वाइल LED लैम्प ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइट में सोडियम लैम्प हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन देन LED लैम्प। देखो, CFL LED और सोडियम लाइट के कंपेरिजन में LED ज़्यादा बेटर है, दोनों ही मामले में इफ़िशियंट भी है और उसकी लाइफ भी लॉन्गर है। ठीक है, सोडियम लैम्प जो है उनको टाइम लगता है जलने में, वो जब गर्म होगी धीरे धीरे तब वो जलती हैं। ठीक है, और उनकी एक ही तरह की लाइट होती है, वो येलो कलर, हल्की सी येलोइश कलर में होती है ना, और ये जो होती हैं मतलब वो मोनोक्रोमेटिक हैं, और LED है उनमें कई सारी रेंज हो सकती है। फिर द गैस विच इज़ फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये जो आपके ट्यूबलाइट होती हैं उसमें मरकरी और या नियॉन अर्गन गैस होती हैं, मरकरी भी होती है, बताओ। द कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक बल्ब द फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्रिफर्ड बिकॉज फ्लोरोसेंट ट्यूब ट्रांसफॉर्म मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी। अच्छा, क्योंकि वो जो कोटिंग होती है ना उस पे फ्लोरोसेंट की, उस पे वो ज़्यादा मतलब लाइट प्रोड्यूस करती है। द वाइट लाइट प्रोड्यूस्ड इन द ट्यूब इज बाई ऑसिलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वाइट लाइट प्रोड्यूस इन ट्यूब बाई ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स। अच्छा सही है, द गैस इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब आर नाइट्रोजन एंड अर्गन। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब आर फिटेड विद
चोक, फ्लूरोसेंट में वो चोक होता है, चोक कॉइल किस लिए होता है? स्टेप अप द लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। वो जो चोक कॉइल, हम कहते हैं ना चोक खराब हो गया ट्यूबलाइट में, तो वो चोक कॉइल जो है वो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बताया था मैंने। स्केलर वेक्टर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर है, जिसमें डायरेक्शन है वो वेक्टर होगा। ठीक है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज ट्वाइस ट्वाइस द इलेक्ट्रिक ट्वाइस देन द इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। ठीक है, चार गुना बढ़ेगा वो। पी इज इक्वल टू वी आई। अच्छा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है यार, कहीं भी काम हो सकता है। पी इज इक्वल टू वी आई। टू वायर्स हैव देयर लेंथ डायमीटर रेजिस्टिविटीज ऑल एट रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, अच्छा, सब में जो भी उनकी लेंथ है, डायमीटर है और रेजिस्टिविटी है, सब में रेशियो 1:2 है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द थिनर वायर इज 10 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज ऑल्सो 10 ओम। ठीक है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब उनकी लेंथ डायमीटर उस पर डिपेंड नहीं करता, दोनों के ही रेजिस्टेंस 10 ओम है। स्मॉल ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज वी वोल्टेज, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ द सेम साइज। अच्छा, वी वोल्टेज है, कोई ड्रॉप्स हैं उनकी जो मतलब उस पर जो है वी वोल्टेज है। और इफ एन सच ड्रॉप कोलेज टू फॉर्म सिंगल लार्ज ड्रॉप, इट्स पोटेंशियल विल बी एन की पावर 2/3 वोल्टेज। ठीक है, अब ये किस फॉर्मूले से देखना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर इज यूजफुल फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज। सही है, ट्रांसफार्मर इज डिवाइस यूज इन डीसी सर्किट्स। नहीं, डीसी सर्किट में नहीं होता, एसी में यूज होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। फिर ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। हाँ, देखा। फिर मोबाइल फोन इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मेशन, मोबाइल फोन चार्जर जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वरना आपका फोन जल जाएगा। पेयर्स ऑफ डिवाइस एंड एसोसिएटेड एनर्जी चेंज आर गिवन बिलो। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से कैसे चेंज करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है, मतलब दोनों रिवर्स हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर में दोनों अपोजिट हो रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जा रहा है, और इलेक्ट्रिक मोटर से इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल में जा रहा है, इलेक्ट्रिक से। ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग व्हाइल डीसी जनरेटर हैज कम्यूटर कम्यूटेटर। ठीक है, अब ये अच्छा स्लिप रिंग और तो भाई इनका फंक्शन देखना पड़ेगा, उस हिसाब से तब पता चलेगा उनका मॉडल एक्चुअली जो एसी और डीसी जनरेटर है। अल्टरनेटिंग करंट इज प्रिफर नॉट प्रिफरेबल टू चार्ज स्टोरेज बैटरी, टू चार्ज स्टोरेज बैटरी। अल्टरनेटिंग करंट से स्टोरेज बैटरी नहीं चार्ज की जाती, क्यों भाई? मुझे लगता है कि यही होता है, अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट प्रिफरेबल, ऑल्दो होता यही है कि जो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम एसी का करंट इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं। डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर जो आपके रेक्टिफायर उसमें होते हैं, वो जो घर में वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं यार, बताते हैं शायद इसमें आगे नाम। अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय रेक्टिफायर। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट पे कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैलकुलेट द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडिया वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। पता नहीं आर गलत है इसमें, रीजन गलत है और पहला सही है। ठीक है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। द कंजप्शन ऑफ पावर इन असेंडिंग ऑर्डर इज, अच्छा बताइए कि किसमें ज़्यादा पावर इस्तेमाल की जाती है? फैन, टेलीविजन, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक कैटल। कैटल में इतना ज़्यादा लगता है, सही है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करेंट सर्कुलेटिंग इन साइड द कोर। ठीक है, क्योंकि मेटल है अपना कोर, ठीक है, जब भी मेटल वगैरह जब सर्कुलेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे वो एक तो गर्म भी है काफ़ी, तो उनके कारण से जो करंट जनरेट होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, मतलब जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड है उसको जनरेट करता है। ठीक है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं जो सैटेलाइट है उनको पावर करने के लिए। स्पेस बेस्ड सोलर पावर इज सजेस्टेड टू बी मेड नेशनल गोल। पता नहीं इसमें दोनों ही ट्रू है और ये किस किस
कुछ रहा होगा उस समय का, ये पुराना क्वेश्चन है शायद। ठीक है, सप्लाई ऑफ एस बी एस पी इज 99% अनइंटरप्टेड थ्रू आउट द ईयर बिसाइड द इनर इनर्मिटी एनर्जी अवेलेबल स्पेस बेस्ड। मेरे ख्याल से सोलर बेस्ड होना चाहिए था, स्पेस बेस्ड सोलर पावर, स्पेस बेस्ड सोलर पावर, पता नहीं यार। फिर है विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट इज फोटोवोल्टिक्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाई डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, वाइल सोलर थर्मल इज टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज सन्स एनर्जी टू जनरेट हीट विच फर्दर यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस। ठीक है, फिर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टिक सेल्स जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं उसमें फोटोवोल्टिक सेल्स का इस्तेमाल होता है, जो सोलर सोलर हीट को इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, द एलिमेंट यूज इन सोलर सेल्स इज सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। फोटोवोल्टिक सेल्स आर सोलर सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स आर रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। द सोलर पावर टैरिफ इन इंडिया आर डिटरमाइंड, अच्छा कौन करता है, स्टेट या सेंट्रल की जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन होती है। फिर कंडक्टिविटी भी देख लेते हैं, छोटा टॉपिक लग रहा। कंडक्टिविटी में है सब्सटेंस विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, जिसमें कम रेजिस्टिविटी हो और कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो वो कंडक्टर कहलाता है, इनके हिसाब से, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलॉन्ग अ कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलॉन्ग दिस फिनोमेना इज थॉम्सन इफेक्ट। ठीक है, थॉम्सन इफेक्ट, कंडक्टर के जो मतलब कंडक्टर में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस उसमें जनरेट होता है, तो उसको थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, अच्छा वो जो तीन चार दिए रहेंगे उसमें उसमें से सिल्वर था। ठीक है, अदरवाइज तो और भी हो सकते हैं। कॉपर रोड आर जनरली प्रिफर्ड टू आयरन आयरन रॉड फॉर मेकिंग लाइटनिंग कंडक्टर्स। ठीक है, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन आयरन एंड इज नॉट इज ईजिली ऑक्सीडाइज अंडर एटमोसफेरिक कंडीशन। ठीक है, तो इसमें दोनों ही सही स्टेटमेंट है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर इज जीरो परमीएबिलिटी। जीरो परमीएबिलिटी, परमीएबल नॉन परमीएबल तो जानते होंगे ना। फिर टेम्परेचर वेयर सुपर कंडक्टिविटी कैन बी ऑफ ट्रिमेंडस इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेविंग बिलियंस ऑफ रुपीज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सुपर कंडक्टिव अगर कह रहा, मतलब जो अभी अपने यहाँ जितने भी सुपर कंडक्टर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे शो करेंगे। कभी फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाओगे तब हो सकता है शो करें। बहुत कम ही केसेस में है कि कोई मेटल या अलॉय वो रूम टेम्परेचर पर उसने शो किया हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हो सकता कि वो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो कर दे तो हमारे जो अप्लाइंसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती हो जाएंगी और बहुत इफ़िशियंट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें फिर इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं होगा। ठीक है, हीट लॉस नहीं होगा, हीट के कारण लॉस नहीं होगी चीज़ें, जितना इलेक्ट्रिसिटी वहां से आएगी उतनी ही उस डिवाइस को पहुंचेंगी। ठीक, ऐसा द न्यूली डिस्कवर्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आर सिरामिक ऑक्साइड। सिरामिक ऑक्साइड न्यूज़ में था इसलिए ये आ गया। फिर कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर नहीं सेमी कंडक्टर एट जीरो केल्विन, जीरो। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर एट जीरो केल्विन इज जीरो। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर ऑन हीटिंग डिक्रीजेस। ठीक है, हीट करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज अ सेमी कंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होल्स नहीं समझ पाओगे ऐसे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ोगे तो उसमें जो मेटल होते हैं ना तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, होल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वजह से ही कंडक्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर में। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन सेमी कंडक्टर इज इन्फिनाइट। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनाइट होगा सेमी कंडक्टर में। एमंग कॉपर जर्मेनियम ग्रेफाइट और सिल्वर इट इज यूज एज सेमी कंडक्टर जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमी कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, देखो नीचे आया, अच्छा ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, सेमी कंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम अभी बताया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टोटली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ बर्न कोल, झावा कहते हैं इसको, बिकॉज इट कंटेन्स रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मेटल एलिमेंट विच इज यूज एज ट्रांजिस्टर। ठीक है, जर्मेनियम
झामा होता है बर्न कोल, उसमें जर्मीनियम होता है, इसलिए उसके एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दी थी, अभी पुराने रहा होगा उस समय का। ठीक है, तो अभी यहीं तक करते हैं, बाद में हम न्यूक्लियर फिजिक्स देखेंगे। धन्यवाद।